हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को लाइकेन के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था। इन्होंने देखा कि जैतून के वृक्ष की छाल पर कुछ उभार दिख रहा है, कुछ वृद्धि, अतिरिक्त वृद्धि दिख रही है, तो इन्होंने उसे लाइकेन नाम दिया। लाइकेन वास्तव में ऐसे द्वि प्रकृति अथवा मिश्रित जीवधारी हैं जिनमें सामान्यतः शैवाल व कवक का अंश होता है। लाइकेन वास्तव में डुअल नेचर वाले पौधे होते हैं या द्वि प्रकृति पौधे होते हैं, या कहा जाए तो मिश्रित जीवधारी होते हैं, अर्थात कवक तथा शैवाल के मिश्रण से बनते हैं, या कवक और शैवाल का मिश्रित रूप लाइकेन कहलाता है। इस संगठन में पाया जाने वाला कवक अवयव कवकांश तथा शैवाल अवयव शैवालांश कहलाता है। ये दोनों अवयव एक साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, अर्थात लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल के मिलने से होता है। लाइकेन में पोषण शैवाल के समान तथा जनन कवक के समान होता है। तो चूंकि दोनों के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है, इसलिए लाइकेन में पोषण शैवाल की तरीके का होता है और जनन कवक के तरह से होता है। जैसे कवक में जनन होता है वैसे लाइकेन में जनन होता है, और पोषण जैसे शैवाल में होता है बिल्कुल उसी तरह से लाइकेन में भी पोषण होता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि लाइकेन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लाइकेन सर्वव्यापी होते हैं। ये आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तथा उनके मध्य के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, और लाइकेन नग्न कठोर चट्टानों, वृक्षों के तनों एवं लकड़ी के लट्ठों इत्यादि पर पाए जाते हैं, इत्यादि पर उगते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की तराई वाले क्षेत्रों में भी लाइकेन बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, यानी भारत में हिमालय पर्वत की जो तराई वाले क्षेत्र हैं उन तराई वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अनेक मरुद्भिद आवासों में भी ये प्राथमिक निवाहकों के रूप में पाए जाते हैं। ये पेड़ की छालों पर, पौधों की पत्तियों पर तथा टूटी हुई इमारतों की दीवारों पर भी पाए जाते हैं। ये उन स्थानों पर भी उग आते हैं जो सामान्यतः पौधों की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। अधिकांश लाइकेन वायवीय मंद गति से वृद्धि करने वाले बहुवर्षीय पौधे होते हैं। चलिए अब आप लोगों को लाइकेनों का आर्थिक महत्व बता देते हैं, अर्थात इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द लाइकेन्स के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले लाइकेनों के लाभ जान लेते हैं। तो पहला है जैव सूचक के रूप में, एज ए बायो इंडिकेटर के रूप में कैसे प्रयोग होता है इसका जान लेते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण अर्थात एयर पोल्यूशन के प्रति जैव सूचक या बायो इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग करते हैं। लाइकेन वायुमंडल में उपस्थित वायु प्रदूषण तथा यसोटू के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यसोटू की उपस्थिति में लाइकेन नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जैव सूचक के रूप में प्रयोग होते हैं। किस तरह से? लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति, जो यसोटू होती है प्रदूषण की गैस जो होती है, इसके उपस्थित के कारण लाइकेन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये नष्ट होते हैं इसका मतलब ये जैव सूचक का कार्य कर रहे हैं कि यसोटू की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इंडिकेट करते हैं कि वायु प्रदूषण या वायु में या वायुमंडल में यसोटू गैस अधिक हो रही है। फिर दूसरा है मानव भोजन के रूप में, एज ए ह्यूमन फूड के रूप में किस तरह से लाइकेन का प्रयोग किया जाता है आपको बता देते हैं। इसराइल में लेकानोरा खाया जाता है। पार्मेलिया को भारत में करी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एवारनिया को मिस्रवासी ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं। तो ये जो लेकानोरा है, पार्मेलिया है, एवारनिया है, ये प्रमुख लाइकेन होते हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे आपको बताया मैंने, इसराइल में लेकानोरा जो है वो खाया जाता है, पार्मेलिया जो होता है ये भारत में करी पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है, और एवारनिया जो है ये मिस्रवासी ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं इसका। इस तरह से भोजन के रूप में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है जंतुओं के भोजन के रूप में, एज ए एनिमल फूड। वो तो ह्यूमन का हो गया था, अभी मैंने बताया था जंतुओं के भोजन के रूप में टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर मांस, क्लेडोनिया रेगिफेरना तथा सिटरेरिया आइलैंडिका का प्रयोग जंतुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। तो ये जो दो मैंने लाइकेन के नाम बताए हैं, यानी क्लेडोनिया रेगिफेरना तथा सिटरेरिया आइलैंडिका, इनका प्रयोग जंतुओं को भोजन खिलाने में किया जाता है, भोजन के रूप में दिया जाता है जंतुओं को। तो इस तरह से जंतुओं के भोजन के रूप में हो जाएंगे। फिर अगला है औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में एज ए मेडिसिन किस तरह से लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन में लाइकेनिन नामक रसायन पाया जाता है। जो लाइकेन होता है इसमें लाइकेनिन नामक रसायन होता है जो विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है, जो अलग अलग रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। जो लाइकेनिन होता है रसायन, इसका
प्रयोग अलग अलग रोगों के उपचार में किया जाता है। असनिया तथा क्लेडोनिया नामक लाइकेनों से प्राप्त असनिक अम्ल एक विस्तृत क्षेत्र वाला होता है जो एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग जलन एवं घावों के उपचार हेतु मरहम बनाने में किया जाता है। मतलब ये जो असनिया तथा क्लेडोनिया नामक लाइकेन से प्राप्त असनिक अम्ल है इसका प्रयोग ये एक एंटीबायोटिक होता है और इसका उपयोग जलन एवं घावों के उपचार हेतु मरहम बनाने में किया जाता है, यानी इससे मरहम बनाया जाता है। और जो पार्मेलिया लाइकेन का उपयोग होता है, यानी जो पार्मेलिया लाइकेन है इसका उपयोग मिर्गी रोग के उपचार हेतु किया जाता है, यानी मिर्गी रोग की औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो पार्मेलिया लाइकेन होता है। अब आते हैं अगले पर, सुगंध निर्माण में। इन्हें परफ्यूम इंडस्ट्रीज में किस तरह से लाइकेन का उपयोग किया जाता है आपको बता दें। फ्रांस के इत्र विश्व विख्यात हैं, यानी विश्व में विख्यात हैं फ्रांस के इत्र या परफ्यूम। तो इसमें इवर्निया प्रूनास्ट्री तथा लोबेरिया पल्मोनेरिया नामक लाइकेनों के थैलस से प्राप्त व्युत्पन्न डाले जाते हैं, यानी इन लाइकेनों से प्राप्त जो होते हैं इनके थैलस से प्राप्त व्युत्पन्न डाले जाते हैं। असनिया प्रजाति के लाइकेनों के थैलस में अधिक समय तक सुगंध को रखने की क्षमता होती है। ये जो असनिया होता है ये अधिक समय तक सुगंध को रखने की क्षमता रखता है, यानी अधिक दिनों तक सुगंध उसमें बनी रहती है। रामालिना तथा एवर्निया का थैलस सुगंधित होने के कारण इसका उपयोग धूपबत्ती, अगरबत्ती, हवन सामग्री तथा साबुन निर्माण में किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सुगंध निर्माण हेतु विभिन्न इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो रामालिना एवं एवर्निया है इनके थैलस सुगंधित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग धूपबत्ती, अगरबत्ती, हवन सामग्री तथा साबुन निर्माण आदि में किया जाता है। इस प्रकार से सुगंध निर्माण में हो जाएगा। फिर अगला है चट्टानों पर वनस्पतिकरण के आरंभन तथा मृदा निर्माण में। तो इसके लिए कैसे होता है, क्रिस्टोस लाइकेन पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो क्रिस्टोस लाइकेन होता है ये पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या निभाता है। ये नग्न चट्टानों पर निवहीकरण की क्रिया में पायनियर या नवीन समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। निवहीकरण का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन, अर्थात कॉलोनी में अर्थात लाइन में। तो उसमें क्या होता है कि ये पायनियर या क्या होता है कि नवीन समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन्स को प्राकृतिक मृदा निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, इसीलिए क्या इनको कहते हैं, प्राकृतिक मृदा निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। फिर अगला है रंजक के रूप में। तो एज ए डाइस के रूप में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, लाइकेनों से प्राप्त रंजकों का प्रयोग कपड़ों तथा पेंट को रंगने में किया जाता है। यानी जो लाइकेन से रंजक प्राप्त किए जाते हैं, जो डाइस प्राप्त किए जाते हैं, इनका प्रयोग कपड़ों तथा पेंट को रंगने में किया जाता है। और लाइकेनों के आरचिल तथा कुड बियर नामक नीले रंजक प्राप्त किए जाते हैं, यानी लाइकेनों से ही आरचिल तथा कुड बियर नामक नीले रंजक प्राप्त किए जाते हैं। आरचिल को रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। जो आरचिल होता है इससे रोसेला जो होता है उस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसको रोसेला से लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से लाइकेन के आर्थिक महत्व के अंतर्गत या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंतर्गत लाइकेनों के लाभदायक उपयोग हो जाएंगे। फिर अगला है लाइकेनों से हानियां, हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ द लाइकेन्स। इसमें क्या होता है, वनाग्नि प्रयोग प्रायः लाइकेनों के कारण ही लगती हैं। जो वनों में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर जो हो जाती है, ग्रीष्मकाल में पेड़ के तनों पर पाए जाने वाले सूखे हुए लाइकेन शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं जिससे वन नष्ट हो जाते हैं। असनिया नामक लाइकेन अति ज्वलनशील होता है। जो असनिया नामक लाइकेन होता है ये अति ज्वलनशील होता है, इसीलिए क्या होता है कि वनाग्नि प्रायः लाइकेनों के कारण ही लग जाती है। तो ग्रीष्मकाल में यानी गर्मी की ऋतु में पेड़ के तनों पर पाए जाने वाले सूखे हुए लाइकेन होते हैं, जो सूख जाते हैं लाइकेन, ये शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं जिससे क्या होता है कि वन नष्ट हो जाते हैं। आग पकड़ लेंगे तो वन जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि असनिया नामक जो लाइकेन होता है ये अति ज्वलनशील होता है। फिर अगला इसी के अंतर्गत है क्लेडोनिया तथा एम्फिलोमा नामक लाइकेन मांस के संपूर्ण निवहों पर परजीवी के रूप में आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। यानी मांस के संपूर्ण निवहों के रूप में क्या होते हैं, परजीवी के रूप में आकर के आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। आर्द्रता व नमी वाले क्षेत्रों में खिड़की तथा दरवाजों पर उगने वाले लाइकेन
अम्ल का स्राव कर दीवारों तथा खिड़की दरवाजों को नष्ट कर देते हैं। और जहाँ पर आर्द्रता होती है, जहाँ पर नमी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर खिड़की तथा दरवाजों पर ये उग जाते हैं लाइकेन, और उगने के बाद अम्ल का स्राव करते हैं जिससे दीवारों तथा खिड़की आदि दरवाजे नष्ट हो जाते हैं। कुछ लाइकेन्स के उत्पाद विषाक्त होते हैं जैसे सिटरेरिया जुनिपराइना से पिनास्ट्रिक अम्ल नामक विषाक्त रसायन प्राप्त होता है या प्राण घातक होता है, यानी ये लाइकेन से प्राण घातक रसायन निकलता है जो आपके प्राणों को भी ले सकता है। इस प्रकार से ये कुछ लाभदायक और हानिकारक आर्थिक उपयोग मैंने आप लोगों को बताए। आशा है आप लोगों को लाइकेन के बारे में आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।